अब आवाज आ रही है मेरी? वॉइस आ रही, नेटवर्क इश्यू और वॉइस का प्रॉब्लम है आई थिंक। अब जो है वॉइस आ रही है, क्या मेरी आवाज? चलिए, सभी को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को आवाज आ रही है। चलिए भी पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ किरण, अब जो है ब्लैक स्क्रीन जो बिल्कुल अब विजिबल हो रही है, बिल्कुल सभी को मेरी आवाज आ रही है। चलिए भी बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर, समय हमारे पास कम है और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट भाई, जो आपके हरित ग्रह प्रभाव होता है वो किन गैसों के कारण होता है? नीट 2011 का क्वेश्चन है। हरित ग्रह, हिंदी में भी लिख लेता हूं, एक क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में है। हरित ग्रह प्रभाव किसके द्वारा देखा जाता है? कौन सी गैसों के मिक्सचर द्वारा? CO2 एंड O3 के, CO2 एंड CO के, CFC और SO2 के, और CO2 एंड N2O के, इनमें से कौन सा सही आंसर है? आपसे अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो किन गैसों के कारण होता है, हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है, हरित ग्रह प्रभाव इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए डियर। पहला क्वेश्चन, अच्छा लैगिंग हो रही है थोड़ी सी, जो अब आई थिंक सॉल्व हो गई है लैगिंग का प्रॉब्लम। अच्छा अभी भी लैगिंग हो रही है, FPS ये होता क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन स्लो है थोड़ा सा। चलिए डी राइट आंसर, डी लेकिन कुछ विद्यार्थी अपना आंसर ए भी दे रहे हैं और बी भी दे रहे हैं। बी आंसर जा रहा है विकास जयपाल, बी आंसर माही पवार, सी आंसर मोहित बिश्नोई, सी आंसर, लेकिन बाकी सभी विद्यार्थियों ने अपना आंसर जो है वो डी दिया है, राइट आंसर डी। देखिए मेरे विद्यार्थियों, जब भी आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात आएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि CO2 गैस तो रहेगी ही रहेगी मेजरली, उसके साथ साथ आपके N2O गैस रहती है। N2O गैस, इसके कारण ही हरित ग्रह प्रभाव देखा जाता है। हरित ग्रह प्रभाव क्या होगा? सनलाइट जो हमारे अर्थ पर आ रही है, जो सनलाइट हमारे अर्थ पर आ रही है वो अर्थ क्रस्ट से टकराकर पुनः है जो वातावरण में लौट जाती है, लेकिन कुछ गैसों के परत बनाने के कारण ये जो है आपकी तरंगे वापस नहीं लौट पाती है, वातावरण के अंदर ही विचरित करती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि SO2 जो होता है, SO2 प्रदूषण का सूचक, जो आपके ग्लाइकेन थे उसमें उनकी कमी किसके कारण? SO2 की कमी के कारण देखी गई थी। SO2 गैस जब अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण लाइकेन जो है वो प्रदूषण के कारण उनकी संख्या कम हो गई थी, इसे भी अपन ने डिस्कस किया था। बिल्कुल हाँ, पहला ही क्वेश्चन है डियर, पहला ही क्वेश्चन जो आपका है, अधिकांश विद्यार्थियों का आंसर डी आ रहा है, जो कि क्या है, सही है। इस चीज का ध्यान रखना, करंट क्वेश्चन पूछा गया नीट 2011 के बाद में 3 बार एक क्वेश्चन आ रखा है, तो ये फिर से पूछे जाने की संभावना है, तो आपको ध्यान रखना है कि CO2 और N2O, ऑप्शन में CO2 तो दे रखा होगा लेकिन अगली बार ऑप्शन में NO2 दे देगा और आप कंफ्यूज करके NO2 करके भी आ जाओगे, तो ध्यान देना NO2 नहीं है, N2O गैस है। क्लियर है? चलिए भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लैगिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि लैगिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, उसमें थोड़ा सा जो है सही करने का प्रयास करें। लैगिंग हो रही है ना, लॉगिंग एंड लैगिंग,
चलिए विद्यार्थी बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर डी आंसर बिल्कुल आपके विद्यार्थियों, आपका जो लैगिंग की प्रॉब्लम है वो टेक्निकल टीम सॉल्व कर रही है। चलिए विद्यार्थियों लैगिंग की प्रॉब्लम जो है वो नेटवर्क इशू के कारण आ रही है और धीरे धीरे जो है नेटवर्क इशू स्ट्रांग होते समय आपके पास में लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, पेट में गैस्ट्रिक एसिड किसके द्वारा स्त्रावित होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना और इसमें जो क्वेश्चंस होती है इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा जो कंफ्यूज करने वाले होंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या, गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल जो होती है वो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करेगी, दूसरा पैराइटल सेल, तीसरा पेप्टिक सेल और चौथा एसिडिक सेल। ये भी करंट आपके नीट का ही क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन या फिर 17 के आसपास का क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए कि पेट में गैस्ट्रिक एसिड किसके द्वारा स्रावित होता है, जो आपकी गैस्ट्रिक एसिड है वो किसके द्वारा सिक्रेट होगी, तो आप क्या आंसर दोगे इसका। अब विद्यार्थी आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आपस में बातें करना बंद कीजिए, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम थी ब्लैक स्क्रीन की वो अब जो है विजिबल हो रहा है और जो लैगिंग की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व हो गई है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछा जाए गैस्ट्रिक एसिड किसके द्वारा सिक्रीट होता है, तो बी आंसर सबसे पहले सरवन ने अपना आंसर दिया है, बी आंसर सरवन, अमन सोनी बी, सभी का आंसर बी आ रहा है। विद्यार्थी जब ये क्वेश्चन आया था तो अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका जो ए ऑप्शन था वो यहाँ था, डी ऑप्शन यहाँ पर था, एसिडिक सेल्स के बारे में। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका ऑप्शन का आंसर दे रखा था एसिडिक सेल का और अधिकांश विद्यार्थियों ने गलत किया था, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड मतलब कोई एसिडिक सेल जैसा कुछ होता होगा, लेकिन ध्यान देना गैस्ट्रिक में जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जो गैस्ट्रिक जो आपकी ग्लैंड होती है उसमें एक एसिडिक सेल जैसा कुछ नहीं होता है। इसमें जो पैराइटल सेल होती है, पैराइटल को एक और नाम से जानते हैं ऑक्सेंट्रिक सेल, यही क्या करेगी एचसीएल का सिक्रेशन करती है। इसे ही अपन क्या कहते हैं गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं, जो एचसीएल होता है। ये एचसीएल जो है इस गैस्ट्रिक एसिड में गैस्ट्रन का यानी कि आमाशय की पीएच को कितना रखती है, 1 से 3 पीएच के आसपास रखती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पीएच कितनी रहेगी, एसिडिक पीएच। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का भी काम कौन कर रहा है, आपके पैराइटल सेल से जो स्त्रावित होने वाला एसिडिक गैस्ट्रिक एसिड कौन सा हो जाएगा, एचसीएल हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल पैराइटल सेल, बिल्कुल बिल्कुल पैराइटल और ऑक्सेंट्रिक सेल इसे कहते हैं। अच्छा इसके साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो आपकी पेप्टिक सेल होती है इसे चीफ सेल कहते हैं और ये आपके पेप्सिनोजन का इनएक्टिव पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। एचसीएल के साथ साथ ही केसल इंट्रेंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 के अवशोषण में काम करता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। चलिए भाई सभी का आंसर जो है वो लगभग राइट है, अच्छा लगभग तो नहीं मैं कहता हूं सभी का आंसर राइट है, सभी ने अपना आंसर बी दिया है और राइट आंसर है। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र से एक समय 2012 में जब आपकी नीट प्रारंभ हुआ था तो उस समय जो आपका इकोलॉजी था लगभग 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से लगभग 16 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटों को हटा देते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र में
के कार्य में भयंकर रूप से प्रभावित होता है, क्यों? ऐसा क्या हुआ कि अपघटों को हटाने से जो है पारिस्थिति तंत्र में इनबैलेंस आ गया, उसमें किसी भी प्रकार का जो है आगे वो कैरी ऑन नहीं हो पा रहा है पारिस्थिति तंत्र। क्यों? क्यों? क्योंकि खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, शाकाहारी सूर्य ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, या फिर जो है अन्य घटकों के अपघटन की दर अत्यंत अधिक हो जाएगी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटों को हटा दिया जाए तो जो इनबैलेंस देखा जाता है उसका कारण क्या होता है, क्यों देखा जाता है, क्या ऐसा हो जाता है, फटाफट से आंसर दीजिए। डियर हैप्पी चौधरी, फिर से आपका वही क्वेश्चन है और फिर से मैं वही कह रहा हूं, जैसे कि टेक्निकल प्रॉब्लम आप देख ही पा रहे हो, मैं आपको मैं दिलासा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई आपके चैनल पर अपलोड क्वेश्चन हो रहे हैं, बट क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा था, जैसे अपन अपलोड करते हैं वो फिर से जो है रिमूव हो जाते हैं वहां से नेटवर्क इशू के कारण, तो इस बात को आपको घबराना नहीं है, बहुत ही जल्द हम खुद ही अपना जो है सर्वर जो एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रीमिंग के लिए वो ले रहे हैं, तो ताकि आपको इस चीज की प्रॉब्लम ना, यानी कि आपको फाइनली ये कहे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। चलिए भाई अरुण कुमार, इससे पहले किरण ने अपना आंसर सी दिया है, अरुण कुमार 100% ए आंसर दे रहे हैं, रोहित यादव डी आंसर, सरवन सी आंसर, सभी का आंसर वेरिएशंस में आ रहा है, विभिन्नताओं के अंदर आ रहा है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा भी गया था तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का पता होना चाहिए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, शाकाहारी, सर्वाहारी या अपघटक, इनमें से कौन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तब भी आपने आंसर यही देना होता था ना, तो यहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके सभी के आंसर जो है लगभग सभी के सीमा सेजू ए आंसर, बाकी सभी विद्यार्थियों के वेरियसेस, माही का आंसर जो है ए आ रहा है, अरुण कुमार ए आंसर, और दीपक कुमार का भी ए आंसर आ रहा है, मनोज और कृति का भी आंसर ए ही आ रहा है। देखिए विद्यार्थियों दिक्कत कहाँ हुई, हमें यह नहीं पता कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम कहते हैं कि 10% एनर्जी का रोल लगता है, मतलब कि एक स्टेप से अगले स्टेप में एक जीव जब दूसरे जीव को खाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, बाकी ऊर्जा वो अपने कार्य के लिए छोड़ देता है, लेकिन ये ऊर्जा वातावरण में वापस आए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपघटक होते हैं, तो मिनरल्स आए जो होंगे वो आप चाहते हो कि फिर से वातावरण में या फिर आपके पारिस्थितिकी तंत्र में आए तो क्या हो जाएगा, खनिज प्रवाह जो है वो किसके माध्यम से आएंगे, अपघटों के माध्यम से आएंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटकों को हटा दिया जाए तो खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, क्लियर है बच्चा, आपने अपने सभी के आंसर जो है लगभग सभी के गलत थे, कुछ विद्यार्थियों ने ए पर किया है आंसर, जो ए आंसर है वो ये कहता है कि जब आप अपघटक को हटा दोगे, तो जो उपभोक्ता ने उपभोग की हुई ऊर्जा है जब इसकी मृत्यु होगी तो अपघटक जो है वापस कभी भी मिनरल्स आयन को नहीं ले पाएंगे वापस वातावरण में, तो अपघटक जो है सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक ही सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सभी का आंसर, काफी विद्यार्थियों का आंसर जो है राइट है, लेकिन अधिकांश का क्या हो गया है, खोटा हो गया है मेरे बच्चे, यहाँ अधिकांश विद्यार्थियों का आंसर खोटा हो गया है, किन्होंने बी आंसर दिया था, किन्होंने डी आंसर दे दिया था, अच्छा जिन्होंने डी आंसर दिया उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि सर ने लिखते समय इतना समय की लिया है इस सेंटेंस को लिखते हुए, अन्य अपघटों के अपघटन की दर अत्यधिक तेज हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो ये राइट आंसर जाना चाहिए, क्योंकि डी आंसर काफी विद्यार्थियों का था। हाँ बिल्कुल रिया सोनी, इस बार ध्यान रखना, अगली बार आपका आंसर खोटा नहीं होना चाहिए, रिया सोनी ने एक्सेप्ट किया है कि भाई हमारा आंसर खोटा हो गया, अगली बार हम खोटा नहीं होने देंगे। चलिए भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज मेनली बाय, जिम्नोस्पर्म में पराग कण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, एनिमल के द्वारा, हवा के द्वारा, विंड द्वारा, या इंसेक्ट्स के द्वारा, या वॉटर के द्वारा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिम्नोस्पर्म में परागण किसके द्वारा, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म मेनली बाय, जिम्नोस्पर्म में मेनली पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है वो आपको बताना है। हाँ किरण आपने सी ही आंसर दिया था,
जो कि गलत था। ए आंसर होगा, जब भी अपन अपघटकों को हटा देंगे तो अपघटक जो है उपभोक्ता, जो भी उपभोग करने वाले जीव थे या अपघटों से पहले जो भी जीव थे उनमें उपस्थित खनिज पदार्थों को पुनः जो है साइकिल करने में, पुनः जो है लाने के अंदर, इकोसिस्टम में लाने का कार्य करते हैं। एक जीव अपने जीवन में कितना ग्रहण करता जाएगा, कभी ना कभी तो आगे गिव एंड टेक वाला प्रोसेस अपनाएगा ही अपनाएगा। तो अपघटक जो होते हैं वो वातावरण में पुनः जो खनिज पदार्थों को भेजते हैं, जिससे पादप जो है फिर से उन खनिज अवशेषों को लेंगे। पादप ऑटोट्रॉप्स होते हैं, भोजन बनाएंगे, भोजन को जंतु, जंतु से वापस अपघटक, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए भाई, इसका आंसर सुखराम चौधरी ने सबसे पहला अपना आंसर दिया है, बी आंसर विंड द्वारा, बी आंसर संगीता, बी आंसर कृति ने अपना आंसर जो है मिटा दिया है, रवीना बी आंसर, अमन सोनी सभी का आंसर बी आ रहा है, क्या बात है। लेकिन मनोज ने अपना आंसर डी दिया है, वाटर द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, जिम्नोस्पर्म ना, आपसे एंजियोस्पर्म का नहीं पूछा गया है, जिम्नोस्पर्म का पूछा गया है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर, फिर से मैं बता दूं, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पॉलिनेशन देखा जाता है उनमें, अच्छा, एंजियोस्पर्म अपनी अधिकांश ऊर्जा, सुनना, एंजियोस्पर्म अपने अधिकांश ऊर्जा जो होता है पॉलिनेशन में खर्च करते हैं, पोलन एजेंट को रुझाने में खर्च करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के जो अगर आपसे पूछा भी जाए कि फूल जो होते हैं वो कैसे रहेंगे, तो उनके फूल जो होते इतने अट्रैक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म के फूल जो आपने देखे होंगे मोस्टली ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, अपने लाइफ साइकिल या अपने जीवन में अधिकांश ऊर्जा जो है पॉलिनेशन में या पोलन कीट को या फिर पोलन एजेंट को अट्रैक्ट करने में लगा देते हैं। अब क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन देखा जाता है वो विंड के द्वारा देखा जाता है, हवा के द्वारा देखा जाता है, इसलिए इनके परागकणों की विशेषता जो होगी वो हल्के रहेंगे, संख्या में अधिक रहेंगे, अचिपचिपे रहेंगे और रोमिल रहेंगे। पोलन कीट में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि पोलन कीट किसमें पाया जाता है, जिनमें इंसेक्ट के द्वारा, एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन देखा जाता है। तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म के अंदर एंजियोस्पर्म का आपका नहीं पूछा गया है, बिल्कुल वायु द्वारा। दीपक, आपके शुद्ध हिंदी का हमने समर्थन किया है, वायु द्वारा जो परागण है वो किसमें देखा गया है या किसमें देखा जाता है, जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। डियर, लैगिंग की प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, अगर लैगिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज सही आ रही है, इसका मतलब कि आपको चीजें अच्छे से विजिबल हो रही है, और अच्छे से विजिबल हो रही इसका मतलब अपन आंसर तो दे सकते हैं। बिल्कुल रिया सोनी, आपका इस बार आंसर जो है वो सही है, लेकिन मनोज का इस बार आंसर खोटा हो गया है। मनोज, कोई दिक्कत नहीं, अगले का आंसर आपको सही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट एनी एमनियन, एमनियन फ्लूइड होता है, एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियन एक प्रकार की एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक एमनियोनिक मेम्ब्रेन होती है, तो उसके बारे में क्या जो है सही नहीं है। यह विकसित होते हुए भ्रूण को तरल माध्यम प्रदान करती है, या फिर इसका निर्माण एम्नियोजेनिक कोशिकाओं और बाह्य भ्रूणीय मेसोडर्म द्वारा होता है, यह मनुष्य में अपरा निर्माण में भाग लेती है, या यह एम्नियोटा समूह के जंतुओं में उपस्थित होती है। आपसे पूछा गया है एम्नियन के लिए क्या सही नहीं है, मतलब आपको एम्नियन के संदर्भ में गलत का चयन करना है, कौन सा पॉइंट जो है एम्नियन के लिए गलत है। आपको बता दूं, एम्नियन एक प्रकार की एक्स्ट्रा एम्नियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा एम्नियोनिक मेम्ब्रेन, और जो ये फीटस और एम्नियोनिक जो होता है इस मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड, इसे अपन कहेंगे एम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एम्नियोसेंटेसिस नाम सुना होगा, बहुत सी चीजें एम्नियन से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फटाफट से आंसर दीजिए विद्यार्थियों। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन जो अच्छे से विजिबल हो। एम्नियन के लिए क्या सही नहीं है, सी आंसर, सी आंसर, मनोज ने अपना आंसर सी दिया है, मनुष्य में अपरा निर्माण में भाग लेता है, ये पॉइंट जो है वो सही नहीं है, मतलब बाकी सारे पॉइंट सही है। सी आंसर प्रीति, सी आंसर, सी आंसर पूजा,
अच्छा हाँ बिल्कुल कृति, ये आपका जो पॉइंट है मैं समझ गया हूँ। मैं खुद ही इसमें लगा हुआ हूँ, ताकि आपको इसमें क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में जाकर जो आपने कांड किया है प्रीवियस लेक्चर में जाकर आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा। तो मैं बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक कर दूंगा, लेकिन आपने जो किसी और नाम से चला रहे हैं, बिल्कुल आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल, आपका जो स्ट्रीमिंग था वो एंड हो गया, या फिर आपका जो चैनल था वो एक तरह से ब्लॉक हो गया है, तो आप किसी और के चला रहे हो क्वेश्चन समझने के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, सभी का आंसर सी आंसर सी आंसर सी आंसर, मतलब कि यह मनुष्य में अपना निर्माण में भाग लेता है, ऐसा इनका कहना है कि ये चीज गलत है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। यह पहला फ्लूइड जो होता है ये क्या करेगा, विकसित होते हुए भ्रूण को तरल प्रदान करता है, या फिर उसको बयांसी प्रदान करने का काम करता है। ये फीटस है, इस फीटस के अंदर बीच में ये जो फ्लूइड भरा होता है इसको अपन क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन कौन सी हो जाएगी, एमनियन मेम्ब्रेन हो जाएगी। वैसे चार प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, एमनियन और योक्सेक, एलेंटॉइस, इस प्रकार से। तो उसमें एक एमनियन जो होती है, एक मेम्ब्रेन का नाम है, जो क्या करती है, इसको बायोंसो प्रदान करती है, साथ में एक्सटर्नल जितना भी जर्क होता है, चोट जो लगती है, उससे भी प्रिवेंट करने का काम करता है। दूसरा, ये निर्माण एम्नियोजेनिक कोशिका या बाह्य भ्रूण या मीजोडर्म से निर्मित होता है। तीसरा, समूह के जंतु एम्नियोटा जो समूह होते हैं जिसके अंदर एम्नियन फ्लूइड पाया जाता है उनमें उपस्थित होता है, लेकिन ये मनुष्य में अपरा निर्माण में भाग नहीं लेता है, क्योंकि अपरा निर्माण के लिए कौन सा, कोरियन भाग लेता है। कोरियोनिक विलाई जो बनाती है वो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन कौन सी, कोरियन भाग लेती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो चार मेम्ब्रेन कौन कौन सी रही, पहला एम्नियन हो जाएगी, उसके बाद ये सिक्वेंसली नहीं है, सबसे पहले एम्नियन के बाद में कौन सी आ जाएगी, योक सेक, फिर एलेंटॉइस, और उसके बाद में आप देखोगे कोरियोनिक विलाई। ये आपके सिक्वेंस में नहीं, लेकिन फिर भी ये चार मेम्ब्रेन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है सभी को चीजें। चलिए भाई, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने पहले ही कर रखा है, तो देखते हैं कि कितने विद्यार्थी जो है फिर से इस बार सही आंसर दे पाते हैं। क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकंड ए बी किसे नियंत्रित करती है, कॉर्न बोरर को, कॉटन बॉलवर्म को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, या फिर ई कोलाई को। इसका आंसर सभी विद्यार्थियों का यह आंसर सही होना चाहिए। डियर, वैसे 5 तारीख को फॉर्म आने का कहा गया है, तो आप एक बार साइट पर जाकर फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि 5 तारीख जो थी डेट दी गई थी कि 5 तारीख के आसपास जो है फॉर्म आ जाएंगे। आ गए हैं तो केयरफुली, बी केयरफुली, आप आज ही फॉर्म भर दीजिए। ऐसा नहीं कि नीट की तरह फिर से जो है, नीट की तरह फिर से आप इन चीजों को लेट कर जाए। बिल्कुल डियर, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए भाई, अब सोनी, अब इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कि आप इसको फिर से सही कर पाते हैं नहीं, या गलत कर पाते हैं, क्योंकि इसको अपन ने पहले ही बता दिया था कि किस तरह से इसका आंसर जाएगा। बी आंसर, संगीता ने अपना आंसर बी दिया है, कॉटन बॉलवर्म, लेकिन दीपक ने आंसर डी दिया है, किरण ने अपना आंसर ए दिया है, अमन सोनी बी राइट आंसर है, और कृति ने अपना आंसर बी, संगीता बी आंसर। फिर से क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशंस देखी जा रही है, और इसको अपन ने पहले ही एक सेशन में ले लिया था। बच्चों ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा विद्यार्थी, ऐसा नहीं चलेगा। इसका जो सही आंसर आपको देना है वो आपने इससे पहले भी एक इसका क्वेश्चन क्लियर कर रखा है। क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकेंड ए बी, ये जो है आपके वो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है, जबकि क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए बी ये जो होता है ये कॉर्न बॉरर को कंट्रोल करता है। मक्का छेदक तथा ये आपके कॉटन बॉल वर्म को कंट्रोल करने का काम क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी करेगा। अधिकांश विद्यार्थियों का आंसर जो है वो वेरिएशंस में आया था, लेकिन बाद में जाते जाते विद्यार्थियों ने अपना आंसर बदल कर भी सही दे दिया है, कि भाई जो सही आंसर जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कॉटन बॉल वर्म जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा, एक जीन, क्राई सी आर वाई जीन फर्स्ट ए सी और क्राई फर्स्ट ए बी द्वारा कंट्रोल होता है। क्या बात है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल,
सेल जो होती है दो टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के बेसिस पर, केंद्रक के विकसित और अविकसित होने के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कैरियन का मतलब यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रो का मतलब प्रीमेटिव अनडेवलप्ड टाइप का, यू का मतलब ट्रू या डेवलप्ड टाइप की सेल। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है कथन इसमें या असीम केंद्रीय कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम नहीं होते हैं, मीसोसोम नहीं होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, कौन सा राइट आंसर जाएगा आपको बताना है। बिल्कुल संगीता, क्राई फर्स्ट ए बी, कौन बॉर्डर को कंट्रोल करता है। अब इसका आंसर दीजिए डियर। हाँ बताया है पहले ही, लेकिन काफी विद्यार्थियों ने जो गलत भी किया है, क्योंकि उनका ध्यान उसी समय रहता है, उसके बाद जो है वो कहते हैं कि भाई चलो क्वेश्चन गया, ध्यान गया ना, और दुर्घटना हटी, सॉरी नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाली बात रह जाएगी फिर आपके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से कौन असीम केंद्रीय कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन एब्सेंट रहता है, उसका आंसर देना है। डी आंसर, डी आंसर, डी डी, सभी का आंसर डी, लेकिन अंशुया गहलोत ने ए आंसर दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। डी आंसर, डी आंसर, सभी का, क्या बात है, सभी ने अपना आंसर डी दिया है, लेकिन अंशुया गहलोत ने कहा है कि इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ए जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक असीम केंद्रीय प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर डायग्राम देखें तो उसके अंदर जो बाह्य मेम्ब्रेन रहती है वो क्या रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन फॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं, और ये मीजोसोम क्या करेंगे, जो उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसको कंट्रोल करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स पाए जाएंगे। राइबोसोम तो दोनों में होते हैं, क्योंकि राइबोसोम के बारे में ऐसा कहा गया है कि भाई राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, लेकिन ध्यान देना प्रोकैरियोटिक सेल में 17 एस टाइप के होंगे। मीजोसोम, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के इनफॉल्ट्स को हमने मीजोसोम कहा है, लेकिन क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमेटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस और प्री मतलब या प्रो का मतलब क्या हो जाएगा, प्रीमेटिव अनडेवलप्ड टाइप का हो जाएगा, तो यहां पर अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, इसका मतलब उसके केंद्रक में या केंद्रक जो होगा उसको वो पूरी तरह से झिल्ली से आवृत नहीं होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। क्लियर है चीजें, तो सही आंसर कौन सा जाएगा, बिल्कुल यूनिवर्सल होती है, और ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट में, एनिमल बैक्टीरिया सभी में पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में और कुछ बैक्टीरिया सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं देखी जाएगी। चलिए अब जिस क्षेत्र पर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, फटाफट से आंसर दीजिए, जिस क्षेत्र पर प्लाज्मा जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, फटाफट से आंसर दीजिए डियर। सचिन, आपकी क्या क्वेरी है सर, बीएससी का नीट से ही होगा डियर, इस बार ये हुआ था, आप में से कुछ विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा नीट का, जब एनटीए को इस चीज का पता चला, आरयूएचएस को इस चीज का पता चला, तो उन्होंने जो है एंट्रेंस, बीएससी एंट्रेंस के लिए अलग से फॉर्म निकाला है, लेकिन ये इसी साल है, आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन उनके कह देना कि अगले साल नीट के द्वारा ही देखा जाएगा, अलग से एंट्रेंस एग्जाम आपको पहले दे दिया, प्लाज्मिड नहीं डियर, गलत है आपका आंसर, प्लाज्मिड नहीं होता है अंशुया, प्लाज्मिड नहीं कहते हैं उसको, नहीं सचिन, इस बार जो एंट्रेंस जो आपके बीएससी एंट्रेंस आरएचएस अलग से करवाएगी इसको भी आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड नहीं, प्लाज्मिड नहीं कहते, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, बच्चा क्या कर रहे हो, सभी का आंसर प्लाज्मिड ही आ रहा है, सभी ने, क्या बात है, मौज कर दी आपने तो, सभी मौज कर रहे हैं कि भाई, लेकिन सरवण ने अपना आंसर जो है थोड़ा सा चेंज करके कहा है कि सर उसको न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, अः
जीनोमिक, जीनोम का मतलब ही वही होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर जीन पाई जाती है, जीनोमिक क्षेत्र। न्यूक्लियोइड इज एन अरे विद्यार्थियों, प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो उसकी ग्रोथ में, जो उसके रेप्रोडक्शन में काम नहीं करता है, सॉरी जो उसकी ग्रोथ में किसी प्रकार से काम नहीं करता है, केवल और केवल कुछ मात्रा में रेप्रोडक्शन में काम करेगा या फिर जो है कॉन्जुगेशन आपने सुना ना होगा नाम, उसमें काम करेगा। इसका जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र पर इसका डीएनए पाया जाता है उस क्षेत्र को, जी हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, काफी विद्यार्थियों ने जो वापस आंसर सही भी दिया है, उस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। मनीष राठौर डियर, मैंने आपसे कहा था विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जो है वो 5 तारीख के आसपास आने का कह रहे थे, लेकिन अब जो है अब तक अपडेट नहीं आई है कि क्या 5 तारीख को आ गया है, जो 2 दिन पहले थी 5 तारीख, तो विद्यार्थी अब तक नहीं आया है। हम भी चाहते हैं कि आप बीएससी एंट्रेंस का फॉर्म भरो और अच्छे से बीएससी एंट्रेंस एग्जाम दो, तो मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा विद्यार्थी ना, कब भरेगा इसकी इंफॉर्मेशन जब मेरे पास आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे से पहले आपके पास आए तो आप पूरी क्लास में फैला देना, क्या अच्छी बात कही है हमने ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि आपको बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं पूछना है, ठीक है विद्यार्थी। चलिए भाई, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जो जल द्वारा आती है, इसका सत्यापन किसने किया था, क्योंकि हमारे पास CO2 में भी ऑक्सीजन है, H2O में भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो CO2 से आई है या H2O से आई है, इस क्वेश्चन के हिसाब से H2O से आई है, इसका सत्यापन किसने किया था वो आपको बताना है। साइंटिस्ट का नाम पहले ही मैं कह देता हूं कि एनसीईआरटी में जितने साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं उन्हीं को आपको बताना है, बाकी किसी के अभी आपको साइंटिफिक नेम जो याद नहीं रखने हैं, एनसीईआरटी में जितने साइंटिफिक नेम दे रखे हैं उन्हीं को याद रखना है, बाकी आपका कोई काम का नहीं है कि उसकी खोज किसने की या उसने क्या नाम दिया होगा, वो आपके काम का नहीं है अभी ना, आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना जो एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो CO2 सॉरी माफी चाहूंगा ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ये H2O से आती है, इसका सत्यापन किसने किया था, रूबेल, सिर्फ रूबेल नहीं था और भी साइंटिस्ट थे, क्या रॉबर्ट मेयर ने किया था, क्या कैल्विन ने किया था, या ब्लैकमैन, C3 साइकिल, ब्लैकमैन, डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, रॉबर्ट मेयर, बिल्कुल बिल्कुल, क्या आंसर जाएगा, ए आंसर रूबेल ने किया था, रूबेन के साथ साथ हैसिड और कैमिन ने भी किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है रेडियो आइसोटोप का यूज किया था, H2O का जो ऑक्सीजन था इसको इन्होंने पहले O18 से लेबल किया, लेकिन CO2 के ऑक्सीजन को इन्होंने लेबल नहीं किया था। देखिए थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो जो आपके ऑक्सीजन आई होगी वो आपको कैसी मिली होगी, O18 वाली मिलेगी, वो कैसी मिलेगी, O18 वाली। दूसरा, जब इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने CO2 के ऑक्सीजन को इन्होंने लेबल किया था, CO2 के ऑक्सीजन को इन्होंने लेबल किया था O18 के साथ, तब इन्होंने देखा कि भाई जब अपन CO2 के ऑक्सीजन को लेबल करेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसमें लेबलिंग नहीं मिलती है, जब आप H2O के ऑक्सीजन को लेबल करोगे तभी मिलेगी, इसका मतलब फाइनल इन्होंने डेराइव कर दिया कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किससे रिलीज होती है, H2O से रिलीज होती है, ना कि CO2 से रिलीज होती है, इस चीज का भी ध्यान रखना। बिल्कुल सभी का आंसर ए सही है, इस चैप्टर को अपने अच्छे से पढ़ा था। चलिए भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल स्टार्च इज, जंतु स्टार्च होता है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन होता है, ब्रांच ऑफ पॉलीसेक्राइड है, या पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, या फिर स्टोरेज फ्रॉम अ कार्बोहाइड्रेट इन,
यानी कि जंतुओं में जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज रूप होता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। चलिए भाई फटाफट से आंसर दीजिए, एनिमल स्टार्च क्या होता है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा इसका वो आपको बताना है। डी आंसर, स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, यानी कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। स्टार्च का डाइजेशन हमारे अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में क्रॉस बॉन्डिंग पाई जाती है, ग्लूकोज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में क्रॉस बॉन्डिंग पाई जाएगी, इस तरह से बॉन्डिंग पाई जाएगी, इसके कारण जो है इसमें इसका डाइजेस्टिव एंजाइम, इसको ब्रेक को, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, इसलिए अपन स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्या बात है, सभी ने अपना आंसर दिया है, किसी ने ए दिया है कि ग्लाइकोजन है, किसी ने बी आंसर दिया है कि ब्रांच ऑफ पॉलीसेक्राइड है, किसी ने सी आंसर दिया है, बिल्कुल सी भी आंसर गया है, और कुछ ने डी आंसर दिया, अधिकांश ने डी आंसर दिया कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्यारे विद्यार्थियों, एनिमल स्टार्च जो होता है उसका जो ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन अभी अपीयर हुए, इसमें ऑप्शन जो है आपके मल्टीपल होंगे। चलो ये भी आपको पता चला कि मल्टीपल क्वेश्चन भी हमें कैसे करने हैं। अब इसका आंसर दीजिए, स्टार्च क्या है। अच्छा, ए को लॉक कर दीजिए यानी कि सिर्फ ग्लाइकोजन है, या बी को लॉक कर दू ब्रांच ऑफ पॉलीसेक्राइड है, या सी को पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, या जो कार्बोहाइड्रेट है एनिमल के अंदर स्टोरेज फूड के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन है डी आंसर। अब जो है आंसर सीमा, बिल्कुल थोड़ी सी इसमें यह हुआ था कि ऑप्शन जो है नीचे की तरफ से हमने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दी। अब इसका आंसर दीजिए, सर्वन गौर आंसर प्लीज। सबसे पहले सचिन ने अपना आंसर दिया डी आंसर। डी आंसर इन द सेंस आप कहना चाहते हो कि भाई ये जो है चारों के चारों के लिए क्या बता रहा है कि जंतु स्टार्च जो होता है ग्लाइकोजन का फॉर्म भी है, ब्रांच ऑफ पॉलीसेक्राइड भी है, और पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, साथ में जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होती है एनिमल में उस स्टोरेज फूड में रहता है स्टार्च। ए एंड बी रविन्द्र ने अपना आंसर दिया है थर्ड आंसर, ए सी तथा डी, और अरुण कुमार ए आंसर यानी कि ए और बी आंसर। क्या बात है, अब जो है आंसर में वेरिएशन आती जा रही है, कृति ए आंसर, अपूर्वा ए आंसर, रिया ए एंड बी, सीमा ए आंसर, ए एंड बी। बहुत देखिए विद्यार्थियों, हमें थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल में पता करना है, स्टार्च जो होता है जंतु स्टार्च जो होता है उसे अपन ग्लाइकोजन कहते हैं, जंतु स्टार्च को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन कहेंगे, और ये ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है जो एनिमल के अंदर स्टोर स्टार के रूप में स्टोर रहता है। अब ये पॉलीसेकेराइड है, सेकेराइड का मतलब होता है सुगर शर्करा, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, तो ये पॉलीसेकेराइड की ब्रांच है, और वो भी कौन से, अल्फा ग्लूकोज की। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, इसका सही आंसर बिल्कुल सर्वन ने इसका आंसर सही दिया है, सर्वन गौर इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, डी इसका राइट आंसर जाएगा, चारों के चारों ऑप्शन सही है। कैसे विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन में, डी और ए आंसर सही गया। अब क्योंकि स्टार्च है इसका मतलब ये पॉलीमर रहेगा, लेकिन किसका, सैकेराइड का, पॉलीसेकेराइड है। अब कौन सा पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला गया, डी आंसर, मनोज रॉय फिर से डी आंसर, सर्वन गौर डी आंसर, कुछ विद्यार्थियों का जो है डी आंसर आया था, वरना अधिकांश विद्यार्थियों का मोटे मोटे तौर पर ये क्वेश्चन जो है क्या हो गया है, खोटा हो गया है, अलग अलग वेरिएशंस वाले आंसर दिए थे आपने। तो विकास डी आंसर अब जो है डी होगा, बिल्कुल प्रीति अब तो डी होना ही है, हाँ अब तो आपका डी होना ही है क्योंकि आंसर आपके सामने दिख गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन
सेल बायोलॉजी, ग्लाइकोप्रोटीन संश्लेषित होता है राइबोसोम में, प्रोटीन है ना विद्यार्थी, ध्यान देना ग्लाइकोप्रोटीन है, सुनना, कंफ्यूज कहां करोगे आप, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। हाँ तो राइबोसोम में, गोल्जी एपिरेटस में, प्लास्टिड में या फिर डी वैक्यूल्स के अंदर। ग्लाइकोप्रोटीन कहां सिंथेसाइज होता है, राइट आंसर मनोज कह रहे कि बच गया भाई, वरना इस बार फिर से खोटा आंसर हो जाता, ऐसा नहीं होने देते आप मनीष, मनोज आपका राइट आंसर गया है। चलिए भाई बी आंसर, डी आंसर, किरण ने अपना आंसर बी दिया है, गॉल्जी अपरेटस में। लेकिन युवराज यानी कि कृति ने अपना आंसर जो है वो डी दिया है, और कुछ विद्यार्थी अपना आंसर बदलते जा रहे हैं, लेकिन फिर से कृति ने भी अपना आंसर बी दे दिया। क्या बात है कृति, ऐसा एक बार में नहीं होता है, पेपर में आपने एक बार जो गोला भर दिया ना, आधा अधूरा भी आपने, इतना आधा गोला भर दिया और अगला आपको लगा कि बी आंसर होगा, आपने पूरा भर दिया, तो पूरा का पूरा ही आपका आंसर खोटा जाएगा और आपको -5 ही मिलेंगे। क्वेश्चंस पर अडिग होना जरूरी है। एक को लॉक कर दीजिए, प्रीति कह रही है कि एक को लॉक कर दीजिए सर राइबोसोम के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीति, एक को लॉक कर दीजिए, लॉक तो कर दिया है लेकिन सही है या गलत वो बाद में देखा जाएगा। ए आंसर, ए आंसर, क्या बात है सभी का आंसर ए है। लेकिन रिया सोनी ने कहा है कि सर हमने काफी बार जो है राइट आंसर दिए है, इस बार मैं नहीं कह सकता कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं हो पाएगा। रिया से पहला जो क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से रिया ने पहले ही कह दिया कि भी मेरे से ये नहीं हो पाएगा। अच्छा वो डी था जो आपने श्रवण को बताया था। पहले आपको मैं बता दूं, आपके पास में या फिर आपके साथ में जितने भी स्क्रीन पर स्क्रीन शेयर करने वाले विद्यार्थी ऑनलाइन बैठे हैं, सब आपके कंपटीटर है। कोई चूक जाता है तो उसको बताना ही नहीं है, तू गलती की है तू भुगत, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा क्वेश्चन सही है, बस इसका ध्यान रखना आपको। चलिए भाई समय व्यस्त नहीं करते हुए, आपने जो गलती की है वो प्रोटीन को लेकर की है मेरे बच्चे, प्रोटीन मतलब राइबोसोम, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन मतलब गोल्जी एपरेटस। अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका आंसर ए दिया है, जैसे ही उनको प्रोटीन मिला, प्रोटीन का मतलब राइबोसोम, जो कि क्या है मोटे मोटे तौर पर फिर से खोटा है। तो जिन्होंने अपना आंसर ए दिया है वो खोटा है। अरे बच्चों आपसे पूछा गया कि ग्लाइकोप्रोटीन संश्लेषित कहाँ होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन की जो साइट होती है वो कौन होती है, गॉल्जी एपरेटस होती है, गॉल्जी बॉडी होती है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, और इस गॉल्जी बॉडी को ही अपन मिडल मैन कहते हैं, ट्राफिक मैन कहते हैं। क्लियर हुआ? और राइबोसोम को अपन प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्लास्टिड जिसके अंदर क्या देखा जाता, फोटोसिंथेसिस। वैक्यूल जिसके अंदर एक्स्ट्रा फूड हो गया प्लांट का, वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, वैक्यूल में फूड हो गए, आयन हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, वो सब स्टोर होंगे वैक्यूल में। तो यहां आपसे क्वेश्चन ग्लाइकोप्रोटीन से रिलेटेड पूछा गया था, प्रोटीन से रिलेटेड नहीं पूछा गया था। तो ग्लाइकोप्रोटीन गोल्जी एपरेटस में फॉर्म होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन वाला था बिल्कुल, काफी विद्यार्थियों ने बस तुक्के मारने में या फिर जो है प्रोटीन को लेकर, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से बने हुए होगी ग्लाइकोप्रोटीन, जो कहां बनेंगे, गोल्जी एपरेटस में, जिसका फॉर्मेशन देखा जाता है ना। तो काफी विद्यार्थी जो अपना आंसर गलत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा विद्यार्थियों, अब ये एक चैप्टर का नहीं वो सिलेबस का है, नेक्स्ट जो मेगा टेस्ट होगा उसमें गलत नहीं, गुंजाइश नहीं देखी जाएगी आपकी ना, ज्यादा से ज्यादा आपको सही करने पे ध्यान देना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कारक वायु पूपी के विसरण की दर को प्रभावित नहीं करता है ना, डज नॉट अफेक्ट, कौन सा कारक जो होता है वो वायु कूपी के विसरण जो होता है उसको प्रभावित नहीं करता है। गैसों की घुलनशीलता, झिल्ली की मोटाई, दाब विभव या गैसों की क्रियाशीलता। हाँ खोटा हो गया है, लेकिन काफी विद्यार्थियों ने खोटा नहीं होने दिया है। चलिए भाई राइट आंसर, हाँ देखते हैं कि इस बार खोटा होता है या नहीं होता है।
बफरिंग की प्रॉब्लम फिर से आ रही है विद्यार्थियों, मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूं, बफरिंग की प्रॉब्लम में यह है कि नेटवर्क इशू के कारण बफरिंग थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन लैकिंग के बीच में भी आपको क्वेश्चन जो है उसमें बफरिंग नहीं हो रही है। मेरा हाथ इस तरह से बफर तो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। चलिए भाई, राइट आंसर, सबसे पहले किरण ने आंसर दिया है दाब विभव प्रभावित नहीं करता है। अरुण ने कहा है कि डी आंसर, गैसों की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस प्रभावित नहीं करता है। सतीश ने अपना आंसर सी दिया है, सी आंसर, लेकिन सचिन ने अपना आंसर ए दिया है। क्या बात है मनोज, सी आंसर। तुम प्रकृति का नियम बदलने में जो माहिर हो ना, भगवान तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। ये जो ऊपर भगवान बैठा है, इनसे डरो बच्चों, इनसे डरो तुम। तुम्हारे आंसर जो है वो इतने वेरिएशंस वाले रहते हैं कि हमें समझाने में थोड़ा समय लग जाता है कि आपको इतना गलत नहीं करना है। अरे तुक्का भी मारो तो ऐसा जिसमें लगे कि भाई हाँ ये राइट हो सकता है। तुम तो प्रकृति का नियम ही बदल डाल रहे हो। प्रीति बी आंसर, सर्वन डी आंसर, प्रीति बी, सीमा सेजू सी आंसर। तो विद्यार्थियों थोड़ा भगवान से डरो, अगर प्रेशर नहीं रहा, ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए श्वास लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, श्वास लेने हैं तो ब्रीदिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पार्शियल प्रेशर है क्या, या वातावरण में, या फिर आपके शरीर में O2 की कमी है क्या, या शरीर में CO2 की अधिकता है क्या, या डी ऑप्शन क्रियाशीलता है क्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, श्वास लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए तब हो पाएगा जब जो है पार्शियल प्रेशर नहीं रहे, प्रेशर प्रेशर रहेगा। आप कभी भी सांस नहीं ले पाओगे जब आपके पास पार्शियल प्रेशर नहीं है, दाब नहीं रहेगा गैसों का, तो सांस लेना कठिन हो जाएगा। भले ही वातावरण में कितनी भी ऑक्सीजन हो जाए, भले ही वातावरण में कितनी भी आपके शरीर में CO2 भी कितनी हो जाए, लेकिन जब तक आपके दाब विभव नहीं बनेगा तब तक जो है किसी भी प्रकार का सांस का प्रोसेस नहीं देखा जाएगा। क्या कर रहे हो, पार्शियल प्रेशर बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। लेकिन आपने जिस हिसाब से आंसर दिया ना इस क्वेश्चन का, भाई गैसों की घुलनशीलता भी बहुत जरूरी है, दूसरा झिल्ली की मोटाई जो होती है वो भी जरूरी होती है, दाब विभव भी जरूरी होता है, लेकिन रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस जरूरी नहीं है। आप सबसे ज्यादा श्वसन जो आप लेते हैं, हम कहते हैं ना कि ऑक्सीजन ले रहे हैं साहब, ऑक्सीजन आपका ना क्या जाके ढूंढेगा ऑक्सीजन को कि भाई तू ऑक्सीजन है, तू आ जा, तू ऑक्सीजन, तू आ जा, तू CO2 मत आ। नाइट्रोजन तो 71% होती है, तो क्या वो आपकी बॉडी में नहीं जाती है, बिल्कुल वो भी जाती है, लेकिन वो रिएक्टिव नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं डालती है, रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस। क्या कर रहे हो विद्यार्थी, आपके शरीर में यदि CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, सुनना बच्चे, आपके शरीर में यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई लेकिन बाहर का आपका प्रेशर नहीं बन पा रहा है, बाहर जो पार्शियल प्रेशर कम है तो आप सांस नहीं ले पाओगे। 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 या 18 का क्वेश्चन है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर बहुत जरूरी है। झिल्ली की मोटाई बढ़ गई तो आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। और इस चीज का ध्यान रखना, चाहे कोशिकाओं हो और रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान हो, या फिर जो है कोशिका तथा गैसों के बीच का आदान प्रदान हमेशा और हमेशा किसके द्वारा देखा जाता है, विसरण के द्वारा देखा जाता है, डिफ्यूजन के माध्यम से देखा जाएगा। तो गैसों का आदान प्रदान हमेशा और हमेशा विसरण के माध्यम से देखा जाता है। ये तुम पता नहीं क्या करना चाहते, मुझे नहीं पता चल रहा है। तुम्हारे क्वेश्चंस जो है एक चैप्टर में तुम मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन गलत करते थे, तब भी मैं कहता था बच्चे एक चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन गलत होना बहुत गलत बात है। अब जब पूरा का पूरा आपका होल सिलेबस का टेस्ट हो रहा है तब इसमें भी आप वही कर रहे हो,
इसमें भी आपके खोटे पे खोटा हो रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, जब तक आप जो है दाब विभव नहीं बढ़ाओगे तब तक सांस नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये तीनों की तीनों चीजें कोपिकाओं में विसरण की दर को नियंत्रित करने का काम करती है, सिवाय गैसों की क्रियाशीलता को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, डी। डी प्रभावित नहीं करता, बाकी सॉल्युबिलिटी भी प्रभावित करेगी, उसकी थिकनेस भी प्रभावित करेगी और प्रेशर भी प्रभावित करेगा। जो सॉल्युबिलिटी का क्रम होता है, सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, देन आफ्टर CO2 और उसके बाद O2 और इससे भी ज्यादा अमोनिया ना। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में सबसे ज्यादा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद CO2 और सबसे कम ऑक्सीजन बाइंड होती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, काफी का राइट है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों का, जो मैं फिर से नहीं कहूंगा क्योंकि मजाक का विषय नहीं है कि आपके क्वेश्चन खोटे हो रहे हैं, ये सिर्फ इतना विषय नहीं है कि मैं आपको लिख दे रहा हूं कि आपका आंसर खोटा है और आपने कह दिया कि चलो यार खोटा हो गया, अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ये मजाक का विषय नहीं है विद्यार्थियों, गंभीर विषय है कि आपके एक पूरे के पूरे वर्ल्ड सिलेबस में इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा है कि मैं फिर से वही आपसे कहूं कि भाई आप मोटिवेट हो जाओ, पढ़ लो, ज्यादा इधर उधर बातों पर ध्यान मत दो, ये समय अब नहीं रहा है, आपको समझना पड़ेगा विद्यार्थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कम मौसमीय परिवर्तन अबाधित पर्यावरण लंबा उद्विका समय प्रोत्साहित करता है, क्यों करता है, क्षेत्र में उच्च जाति विविधता को, या अगर आपसे पूछा जाए कि कम मौसमीय परिवर्तन अबाधित पर्यावरण लंबा उद्विका समय प्रोत्साहित करता है, किसको प्रभावित करता है, किसको प्रोत्साहित करेगा, क्षेत्र में उच्च जाति विविधता को, उच्च निके घनत्व को, जटिल स्थायी इको सिस्टम को, या ऑल ऑफ अबव। अगर कहीं पे कम मौसमीय परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में किसी भी प्रकार का जो बाधा नहीं आ रही है, तो किसको प्रोत्साहित करेगा उद्विकासी रूप से, उस क्षेत्र में उच्च जाति विविधता को, उच्च निके विविधता को, घनत्व को, या जटिल और स्थायी इकोसिस्टम बढ़ाने को, किसको प्रोत्साहित करता है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए डियर। हाँ शिवलाल, इस बार ध्यान रखना सभी के लिए, शिवलाल ने जो है इस बार एक्सेप्ट किया है कि भाई अब से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अब से आगे क्वेश्चन कोटा नहीं करेंगे, इस तरह का प्रयास करेंगे। और आज आपने नहीं पढ़ा है और आप क्वेश्चन कर रहे हो कोटा हो रहा है, तो अगली क्लास में कोटा नहीं हो, इस चीज का भी ध्यान रखो। चलिए भाई इसका आंसर दीजिए डियर, यदि आपसे पूछा जाए लेस सीजनल वेरिएशन, अनडिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट और लॉन्ग एनवायरमेंटल टाइम, किसको प्रमोट करता है, एक जाति को लंबा समय मिला है विकास के लिए, उसमें वातावरण में किसी प्रकार की बाधा नहीं है और मौसम में परिवर्तन भी कम है, तो किसको ये जो है प्रोत्साहित करेगा, सभी का आंसर प्लीज। आंसर सतीश ने अपना आंसर ए दिया है कि वो क्षेत्र में उच्च जाति विविधता को प्रोत्साहित करेगा। सर्वन डी आंसर, डी आंसर, सभी का डी आंसर, डी आंसर, कृति डी आंसर, किरण डी, सीमा, रवीना, प्रीति, शिवपाल, सभी का आंसर डी आ रहा है। प्रजापति एस की, प्रजापति का आंसर भी मेरे हिसाब से डी ही है, डी आंसर। अपूर्वा ठाकुर डी, अमन सोनी डी आंसर, पीयूष, सभी का डी आंसर आ रहा है। देखिए विद्यार्थियों, जब भी आपसे पूछा जाए एवोल्यूशन में, तो एक एवोल्यूशन में जाति को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले किसके लिए, अपनी जाति की विविधता को बनाए रखने के लिए, निके विशिष्टि को, निके घनत्व को बनाए रखने के लिए। निके का मतलब एक जो जाति होती है उसका जो मुखिया होता है, या एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम में एक जाति का जो विशिष्ट महत्व जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, निके कहते हैं, निके कहते हैं। जैसे मानव जाति के अंदर, मानव की ही बात करें अगर, तो मानव जो है सभी जातियों के लिए क्या रहता है, अग्रसरी रहता है, तो मानव का स्थान और कोई नहीं ले सकता है, और निके जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, मानव जो होता है सभी जातियों को साथ में लेकर चल रहा है, ये कहने की ही बात है लेकिन है तो सही। तो मानव जो है उसका निके है एक स्पेसिफिक, एक कह सकते हैं अपन एक सिंहासन है, उसे अपन क्या कहेंगे, निके कहेंगे। तो कम मौसमी परिवर्तन होंगे, अबाधित पर्यावरण होगा, अबाधित पर्यावरण होगा, और एक जाति को लंबा समय मिल रहा है उद्विकास के लिए, तो उसका निके विशिष्ट घनत्व बढ़ता जाएगा, मानव की जनसंख्या बढ़ती जाएगी एक तरह से अपन कह सकते हैं। और कोई भी इकोसिस्टम जितना जटिल होता है उतना ही क्या रहता है, वो स्थायी रहता है।
एक जो फूड चेन होती है जितनी जटिल रहेगी उतनी ज्यादा स्थायी रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना। एक आपको मैंने एक ऑप्शन दे दिया है कि भाई ये सही है या गलत है, एक मैंने आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आप ज्यादा किसमें कंफर्टेबल होंगे? एक में तो आपके पास 50% चांस है कि आपका सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, चार में 25% ऑप्शन होता है कि आपका गलत हो सकता है। तो चार ऑप्शन जो दिए है ना मैंने वो ज्यादा सही है। इसी को अपन क्या कहते हैं, जटिलता। जटिलता का मतलब एक जीव के कमी के कारण दूसरा जीव जो उस पर निर्भर है वो मर नहीं जाए, उसके पास दूसरा कोई ना कोई ऑप्शन रहे ही रहे, इसे अपन क्या कहेंगे इकोसिस्टम में जटिल और स्थायित्व इकोसिस्टम कहेंगे। क्लियर है? चलिए भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ अबाउट डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। इन एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, एंजियोस्पर्म पादप में मुक्त केंद्रक विभाजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कब होता है? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, फ्लोवर फॉर्मेशन के दौरान, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के दौरान या एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान? युग्मक निर्माण में, पुष्प के निर्माण में या भ्रूण कोष के निर्माण में या फिर जो है भ्रूण के निर्माण में? कब जो है आप फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अमन कोटा नहीं होने दिया, लेकिन इससे पहले तो खोटे हुए थे। फटाफट से आंसर दीजिए डियर। यदि आपसे पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म पादप में मुक्त केंद्रक विभाजन कब देखा जाता है, पहला ही पहला आंसर दिया है, पहला आंसर सी। संगीता ने अपना आंसर दिया है सी, ये भी अभी कंफ्यूजन में है कि सी आंसर ही जाएगा या कुछ और होगा, तो सी आंसर। चलिए देखेंगे कि आगे क्या होगा, लेकिन पहले जो सतीश अपना आंसर दीजिए डियर। आंसर प्लीज। देखिए डियर, PEN का मतलब होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब अपन बात करते हैं एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, तो उसमें आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था। डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि नर युग्मक जो थे मेल गैमेट वो आपके पास कितने थे, दो थे। तो दो मेल गैमेट होने के कारण, दो मेल गैमेट होने के कारण आपके पास एक तो बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और दूसरा बना था जाइगोट का फॉर्मेशन। एक आपके पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, दूसरा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। डियर आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है क्या?
चलिए, तो बाहुबली और कटप्पा की अगर बातें पूरी हो गई हो तो क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए डियर, एंजियोस्पर्म पादप में मुक्त जो केंद्रीय विभाजन देखा जाता है वो किसके निर्माण के दौरान देखा जाएगा? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के दौरान देखा जाएगा। हमने कैसे देखा था कि पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, उसके साथ साथ जाइगोट का फॉर्मेशन भी होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जाइगोट फॉर्मेशन से पहले पीएन बनेगा, बिल्कुल पहले पीएन थोड़ा सा बनेगा, तब जाकर ही यही आपके पोषण देने का काम करेगा जाइगोट को। और इस चीज का भी ध्यान रखना, जाइगोट जो होता है वो जाइगोट 2n रहता है, जबकि पीएन की कोशिकाएं कैसी रहेगी? 3n रहेगी। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा रहेगा? 3n रहेगा, बाकी जितना भी होगा वो क्या रहेगा? 2n ही रहेगा। चलिए भाई, नहीं आज की क्लास यहां तक नहीं है, आप मेरे जवाब का वेट कर रहे थे, मैंने जवाब दे दिया है डियर। ओ शायद ऊपर चला गया आपका कमेंट। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन श्वेत वसा का उदाहरण नहीं है? देखिए विद्यार्थियों, दो तरह की वसा पाई जाती है, श्वेत और ब्राउन वसा, यानी कि व्हाइट एंड ब्राउन फैट पाई जाती है। इनमें से कौन सा जो है श्वेत वसा का उदाहरण नहीं है? हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, हम्प ऑफ कैमल, येलो बॉर्न मैरो, या फिर जो है अ न्यू बॉर्न बेबी। इनमें से कौन सा जो श्वेत वसा का उदाहरण नहीं है, ये भी आपके क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, और मे बी पॉसिबल जो है एम्स आपके फिर से इसका एग्जाम जो नीट में ही इंक्लूड है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाँ डियर अब सब ठीक है, हर चीज में आपको जो एक तरह से टेक्निकल टीम हमारी हमसे भी ज्यादा लगी हुई है पीछे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए ना। हमें भी दिक्कत होती है कि आपको दिक्कत होती है, बिल्कुल हमें भी दिक्कत होती है कि आपको दिक्कत होती है, इस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं, अब आपको दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, श्वेत वसा का उदाहरण कौन सा होता है? इनमें से कौन सा श्वेत वसा का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। चलिए सतीश ने अपना आंसर दिया है ए, इसमें जो अधिकांश विद्यार्थी तुक्का ही लगाएंगे। भियाराम जाखड़, भियाराम जी इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि इस बार जो है आपके एंट्रेंस का फॉर्म अलग से भरा जाएगा और आपको वेट करना पड़ेगा, 5 तारीख तक का डेट बोला था आरएचएसएन, लेकिन अब तक फॉर्म आया नहीं है ना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भी फटाफट से आंसर दीजिए, और जो अनर्गल बातों पे लगे हुए उन पे मैं थोड़ा सा आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ब्लॉक कर दिया जाए। कैमल ब्राउन, बिल्कुल कैमल के अंदर तो ब्राउन होती है, आपसे नहीं, बिल्कुल नहीं, कैमल में व्हाइट होती है डियर रोहित। देखिए इसका जो आंसर है मैं बता ही देता हूं, इस चीज को भी आपको लिख देना नोट्स के अंदर, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर श्वेत वसा नहीं पाई जाती है, उसके अंदर ब्राउन फैट पाई जाएगी, बाकी जितने भी आपके पोर्शन होते हैं इन सब में व्हाइट फैट पाई जाती है, केवल और केवल किसको छोड़कर? न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, उसके अंदर ब्राउन फैट होगी ना, इस चीज का भी आपको ध्यान देना। एक थ्योरिटल थ्योरी का क्वेश्चन था जो एक बार पूछा गया था, जो आपको
आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गोबर गैस किस जीवाणु की उपस्थिति में उत्पन्न होती है? माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर बायोटेक्नोलॉजी के अगला वाला चैप्टर है। रोहित यादव बी है सर पक्का, नहीं डियर बी नहीं है, इसका आंसर डी होता है। डी जो आपके न्यू बॉर्न बेबी उसके अंदर ब्राउन फैट पाई जाती है, व्हाइट नहीं पाई जाती, इस चीज का ध्यान रखना। तो गोबर गैस किस जीवाणु की उपस्थिति में उत्पन्न होती है? मेथेनोजन बैक्टीरिया या स्टेप्टोफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस में, ई कोलाई द्वारा या फिर स्यूडोमोनास प्यूटिडा द्वारा। चलिए भी फटाफट से आंसर दीजिए। यदि आपसे पूछा जाए गोबर गैस किस जीवाणु की उपस्थिति में उत्पन्न होती है, इसे बायोगैस भी कहते हैं, और इस गैस से जो गैस उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? मिथेन गैस होती है, गोबर गैस मिथेन। अब आपको बताना है कि वो किस बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण होती है। अब बिल्कुल मनोज जोई ने अपने कहा है कि भाई मेथेनोजन बैक्टीरिया, किरण ने कहा है मेथेनोजन बैक्टीरिया, और मनोज ने आंसर भी दे दिया कि CH4 जो होता है वो गैस उत्पन्न करेगा, कौन सा? एनएरोबिक बैक्टीरिया। बिल्कुल बिल्कुल एनएरोबिक बैक्टीरिया मेथेनोजन। तो राइट आंसर कौन सा चलाएगा? माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर सभी का आंसर सही आ रहा है, क्या बात है। लेकिन ये क्या कर दिया वीरेश कुमार, स्टेफाइलोकोकस पर एक साइंटिस्ट था जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी ना, वो अपना वर्क जो है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, और उन्होंने देखा स्टेफाइलोकोकस जो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन जो है वहां पर, पेनिसिलियम जो है वहां पर ग्रो कर रहा है, जिसके कारण एक एंटीबायोटिक फॉर्म हुई पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की उपस्थिति में आपके स्टेफाइलोकोकस जो है वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा था, इस चीज का ध्यान रखना। इकोले को आपको इकोले आप जानते हो, स्यूडोमोनास पुटिडा भी आपसे वाकिफ है, इस चीज का भी ध्यान रखना भाई। चलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स डू नॉट पोजेस, वेस्कुलर जो सामान्य क्रिप्टोगैम्स होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? एम्ब्रियो नहीं पाया जाएगा, टिश्यू नहीं पाया जाएगा, रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होगा, या उनमें सीड नहीं होते हैं। ये आपका चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम का। तो वेस्कुलर फाइटा या फिर अपन कहेंगे वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? क्या उनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा, उनमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा, यानी कि थैलस जैसी स्ट्रक्चर ही रहेगी एल्गी फंजाई जैसा, या उनमें रूट स्टेम और लीफ जो डिवाइडेड नहीं रहेगी फंजाई एल्गी जैसा, या फिर जो उसके अंदर सीड नहीं पाए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डियर ये जो आपका क्वेश्चन है डियर सचिन, आप इस क्वेश्चन को संभाल कर रखना, या तो आपने भाप लिया है कि इसके बाद ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई आने वाला है। मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं यही चाहता हूं आपका नॉलेज बढ़े। मैं अभी यहां इसका आंसर बता दूंगा तो आप क्या दोगे फिर आंसर उसका? आगे इसका आंसर आ रहा है। चलिए भी हाँ भाई, सामान्य क्रिप्टोगैम्स में क्या नहीं पाया जाता है? सबसे पहले राइट आंसर किरण ने दिया है, राइट है या गलत है? रूट स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता है। किरण अपना आंसर सी दिया है, और एस के प्रजापति ए आंसर, सतीश सी आंसर ए राइट है, कृति ने आंसर डी दिया है, सीड नहीं पाए जाते हैं, क्या बात है, डी आंसर। सीमा सेजू, पहले आपको आंसर नहीं बताना है, हिपेरिन है कि क्या है वो सब के सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन में ही आपके ऐसे आगे क्वेश्चन में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए विद्यार्थियों, दो टाइप के वेस्कुलर फाइटा होते हैं, एक को कहेंगे क्रिप्टोगैम्स, दूसरे कहेंगे फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, बाकी सब देखा जाएगा। फेनेरोगैम्स के अंदर सीड का फॉर्मेशन देखा जाता है। क्या कर रहे हो विद्यार्थियों? क्योंकि ये चैप्टर जो है ना विद्यार्थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम हो गया, एनिमल डाइवर्सिटी हो गई, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, ये थोड़े से विद्यार्थियों को अरुचिकर टॉपिक लगते हैं, और अरुचिकर लगने के हिसाब से आपको लगता होगा कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते या कम आते होंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नहीं रोहित, रूट स्टेम लीफ, जब क्योंकि अपन सवनीय की बात कर रहे हैं तो सवन का मतलब ही होता है वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। जब जाइलम और फ्लोएम है तो रूट के अंदर ही रहेंगे, स्टेम के अंदर भी, लीफ के अंदर जाइलम फ्लोएम रहेंगे। अब आप इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हो तो टिश्यू का फॉर्मेशन भी रह गया यहाँ पर, एम्ब्रियो भी बन रहा है लेकिन सीड का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। तो डी इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थी, कौन सा? डी हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके वेस्कुलर क्रिप्टोफाइट है उनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं देखा जाता, इसके अलावा सारे के सारे पॉइंट इनमें राइट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का दो तंत्र किसने प्रतिपादित किया था? कि फोटो सिस्टम में दो तंत्र पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे का पर्पस कुछ और है, लेकिन आपको साइंटिस्ट का नाम भी एक का तो पता होना ही चाहिए। इन चैप्टर से रिलेटेड में आपको मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं और एनसीईआरटी के जो साइंटिस्ट नेम है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा रहेगा? प्रकाश संश्लेषण के दो वर्णक तंत्र किसने दिए थे? हिल ने, ब्लैकमैन ने, इमर्सन ने या केल्विन ने? नहीं भैया राम जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी आप पर भी गाज गिर जाए ना। गाज गिरने का मतलब कहीं आप भी ब्लॉक नहीं हो जाओ, इस चीज का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल कृति, आपका राइट आंसर था, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण में दो तंत्र पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट की खोज हुई, नाम दे दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट। बाद में फोटो सिस्टम सेकेंड की खोज हुई, नाम हो गया फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो किस पे? P700 नैनोमीटर पे काम करेगा, और फोटो सिस्टम सेकेंड P680 पे काम करता है, इस चीज का भी आपको पता होगा। तो आपसे पूछा गया कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? विकास ए आंसर, किरण सी आंसर, महिपाल ए आंसर, ए सी इमर्सन, इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन ने ही बताया था फोटो सिस्टम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, इमर्सन इफेक्ट देकर। कैसे? उन्होंने पहले केवल और केवल P700 दी थी, तो ड्रास्टिकली एक सेल के अंदर या प्लांट के अंदर जो है फोटो सिंथेसिस क्रिएट घट गई। फिर उन्होंने P680 दिया था तो भी घट गई। फिर उन्होंने दोनों को साथ में दिया तो जो है उसके फोटो सिंथेसिस की रेट बढ़ गई। उसके हिसाब से जब उन्होंने पहले P700 पे काम किया तो एक सिस्टम मिला जिसको नाम दे दिया PS फर्स्ट। फिर उन्होंने जब P680 पे काम किया तो दूसरा मिल गया PS सेकंड। इसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिए थे? दो वर्णक तंत्र दिए थे, दो फोटो सिस्टम दिए थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो कौन सा? इमर्सन इफेक्ट और इमर्सन नहीं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दिए थे। लगभग सभी विद्यार्थियों का आंसर सही है, सी आंसर सही है, लेकिन कुछ का गलत भी है, वो उसका भी ध्यान रखना। अर्नोल्ड, अरे ऑप्शन 1, 2, 3, 4, इन ऑप्शन में से किरण सही आंसर कौन सा जाएगा? इमर्सन इफेक्ट, जिसे इमर्सन ने दिया था। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है। अब सुनना, एक तो था आपका क्वेश्चन पहले था डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, ये पूछा गया है आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डीएनए सॉरी माफी चाहूंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछा गया। डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, कैसा रहेगा? संरक्षित तथा अर्ध सतत, संरक्षित तथा अर्ध सतत, अर्ध संरक्षित तथा अर्ध सतत, या अर्ध संरक्षित एवं सतत होता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण कैसा होता है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल अमन सोनी, इमर्सन इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे क्लास में। चलिए भाई, ये आरबीएससी में 12th का था लेकिन 11th एनसीईआरटी में दे रखा है इमर्सन इफेक्ट वगैरह। सी, अच्छा सी आंसर एस के प्रजापति, आप जो है इसका आंसर सी दे रहे हो, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूस, अर्ध संरक्षित तथा अर्ध सतत। फटाफट से आंसर दीजिए विद्यार्थियों, आगे आने वाले क्वेश्चन जो है थोड़े समय ले सकते हैं, तो आपके पास भी समय कम है हमारे पास भी, तो फटाफट से आंसर दीजिए। सीमा सेजू सी आंसर, किरण सी आंसर, रवीना सी आंसर, प्रीति सी, मनोज, अमन, क्या बात है, सभी का आंसर जो है
इस बार सभी का आंसर सही होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि अब तक जितने भी आंसर है उनका सही है या गलत है, ये बात की बात है, लेकिन आंसर सबके आने चाहिए। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, सभी का आंसर सही है। और जो संरक्षी का मतलब हो गया, जब अपन बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की, तो आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में दो रज्जुक होते हैं, इन दोनों रज्जुक को अलग किया जाए और नए रज्जुक जब बनाए जाए, सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो दिया गया था उसमें बताया गया था कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो आधा ही संरक्षित रहता है, आधा उस पर नया बनता है, इसका मतलब अर्ध संरक्षित रहता है। इसके साथ साथ जब डीएनए रेप्लिकेशन देखा जाता है तो उसमें से एक रज्जु तो कंटिन्यूस बनती है और दूसरी रज्जु क्या बनेगी, डिसकंटिन्यूस बनती है, इसका मतलब अर्ध सतत। तो इसका आंसर आपका क्या चला जाएगा, सी आंसर, जो सबके सभी विद्यार्थियों का राइट है, सी आंसर, सेमी कंजर्वेशन एंड सेमी डिसकंटिन्यूस, अर्ध सतत तथा अर्ध संरक्षित विधि होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। सभी का आंसर केवल रोहित यादव को छोड़कर, प्रीति यादव को छोड़कर, अपूर्व ठाकुर को छोड़कर, सभी का आंसर जो है वो सी है और सी इसका आंसर राइट होगा। क्लियर है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी जोड़ी गलत है, सिस्टर ने ईआर ऑक्सिजम माइटोकॉन्ड्रिया थाइलेकॉइड ल्यूकोप्लास्ट और हिस्टोन क्रोमोसोम, इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है वो आपको बताना है। सिस्टर ने ईआर ऑक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रिलेशन इनके बीच में पता होना चाहिए, क्या सिस्टर ने ईआर से रिलेटेड है, क्या ऑक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, क्या थाइलेकॉइड ल्यूकोप्लास्ट से रिलेटेड है, या हिस्टोन जो होता है वो क्रोमोसोम से रिलेटेड है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिए भाई, बिल्कुल वाई शेप, वाई फॉग लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन देखा जाता है, अर्ध सतत वाला, एक लैगिंग और दूसरा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वाली स्ट्रैंड जो बनती है। रवीना ने सबसे पहले आंसर दिया है सिस्टर ने ईआर जो है रिलेटेड नहीं है, कौन सा जोड़ा जो रिलेटेड नहीं है, मैच नहीं करा, उसका आंसर देना है। विकास ए आंसर, किरण ए आंसर और प्रियंका डी आंसर, प्रीति ए आंसर, 100% ए आंसर, किरण, अमन सोनी ए आंसर, अपूर्वा ए, मनोज, सभी का आंसर ए आ रहा है। जो सिस्टर्नी होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं होती, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सिस्टर्नी फॉर्म, ट्यूब्यूल्स फॉर्म और तीसरी जो होती है राउंड शेप की वेसल्स फॉर्म, सिस्टर्नी फॉर्म, ट्यूब्यूल्स फॉर्म, वेसल्स फॉर्म, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेसिक फॉर्म होती है। तो सिस्टर्नी फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है, बिल्कुल है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन फॉल्ट्स होते हैं, इन फॉल्ट्स के अंदर यहां पर टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीसोम रिलेटेड होते हैं। थाइलेकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलेकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो सिक्कों का ढेर होता है इसे कहते हैं थाइलेकॉइड, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ल्यूकोप्लास्ट का कह रहा है। हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम के धागों को, क्रोमोसोम के धागों को बांधे रखने का काम करता है, हिस्टोन ऑक्टेट बनाने का काम करेगा, 1/3 डीएनए रैप्ड करने का काम करता, रिलेटेड है, कौन सा रिलेटेड नहीं है, थाइलेकॉइड रिलेटेड नहीं है। फिर एक बार सभी विद्यार्थियों का, मोटे मोटे तौर पर सभी विद्यार्थियों का खोटा आंसर है, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा इस क्वेश्चन का आंसर खोटा देने पर। अमन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, इसका आंसर जो है वो सी है। शिवलाल कुमावत ने अपना आंसर सी दिया है जाते जाते। हाँ प्रीति, भले ही अमन ने अपना आंसर चेंज कर दिया हो लेकिन फिर भी आंसर तो गलत ही है, इसका सही आंसर कौन सा चला जाएगा, डी, जो असी जो है आपके वो लिंक नहीं कर रहा है, सिस्टर ने ईआर से लिंक करेगा क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो तीन फेजेस में या तीन फॉर्म में पाई जाती है, प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिज्म दर्शाती है, ट्यूब्यूल्स फॉर्म में,
सिस्टर्नी फॉर्म में और वेसिकल्स की फॉर्म में, वेसल्स फॉर्म में। ऑक्सीजन रिलेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम से, लेकिन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ल्यूकोप्लास्ट से नहीं, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड होती है, इसका आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एक क्वेश्चन पूछा था किसी विद्यार्थी ने, रक्त का थक्का जमना, तो उसी से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस हैं। अरे बहुत पुराने का मतलब क्या है? क्या बहुत पुराना क्वेश्चन है इसका मतलब नहीं आएगा? बहुत कितना पुराना है? बचपन का क्वेश्चन है, बचपन का मतलब आज से 2-3 साल पुराना क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्यार्थी। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, किसके द्वारा मुक्त किया जाता है? मोनोसाइट द्वारा, एरिथ्रोसाइट द्वारा, लिम्फोसाइट द्वारा या ब्लड प्लेटलेट्स द्वारा? हाँ किरण, बिल्कुल सही है। इन विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा, क्वेश्चन पुराना नहीं होता है। आज से कई सालों पहले जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तो उसको भी पावर हाउस कहा गया था, आज भी पावर हाउस ही कहते हैं। तो नया पुराना कुछ नहीं है, नॉलेज पे डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, किसी विद्यार्थी ने कहा था ब्लड क्लॉटिंग वाला, इससे आपको बताना है। यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, किसके द्वारा मुक्त होता है? मोनोसाइट द्वारा, एरिथ्रोसाइट द्वारा, लिम्फोसाइट द्वारा या फिर ब्लड प्लेटलेट्स द्वारा? सर्वन कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं ले रहे हो आप। विद्यार्थी नाम में क्या रखा है? आप ऐसा काम कीजिए कि बार बार आपका भी नाम आए अच्छे आंसर देकर। डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, सभी का डी आंसर। सर्वन डी आंसर, शिवलाल बड़े शब्दों में डी आंसर, मनीष सिंह पंवार का डी आंसर, प्रियंका डी आंसर। हिपेरिन रोक कर रखता है, बिल्कुल। हिपेरिन जो होता है आपके ब्लड में एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर होता है, ब्लड के क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है। लेकिन यहां हमें थक्का बनाना है तो ब्लड प्लेटलेट जो होगी यहां से, और साथ ही साथ में जो रप्चर्ड टिश्यू हो रखे हैं, जो टिश्यू टूट रखे हैं, उनसे एक्सो और एंडो टाइप का प्रोथ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, जो आगे चलकर फाइब्रिनोजन को, सॉरी माफी चाहूंगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन को सबसे पहले क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन देखा जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का वो किससे बनेगा, जो आपके ब्लड वेसल्स है उससे जो रिलीज हुआ है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर, और दूसरा जो आपके टिश्यू रप्चर्ड हुए उससे। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैल्शियम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर आगे चलकर फाइब्रिनोजन जो है वो किसमें, फाइब्रिन में, और उसके बाद क्या देखा जाएगा, रक्त का थक्का जमना देखा जाएगा। क्लियर है सभी का आंसर? चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्लीवेज आर रिप्लेटेड मेट्रिक डिविजन विच आर स्टेड इन जाइगोट एट, द्विदलन जाइगोट में बार बार होने वाली समसूत्री विभाजन जो प्रारंभ होता है। विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, लेकिन यह थोड़ा सा समसूत्री से अलग है क्योंकि यह रैपिडली होता है, तेजी से देखा जाता है। जाइगोट में बार बार होता है, जो प्रारंभ होता है कब, यूट्रस में, फिम्ब्रे में, इनफंडिबुलम में या फिर एस्थैमस में। विदलन कहां देखा जाता है, यूट्रस में देखा जाएगा, फिम्ब्रे में देखा जाएगा, इनफंडिबुलम में या स्थमस, एम्पुला स्थमस जंक्शन जहां फर्टिलाइजेशन हुआ था, किस क्षेत्र में देखा जाएगा? बिल्कुल भान सिंह, बिल्कुल सही कह रहे हो। टोटल क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं उसमें से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं वही आपके क्या करेंगे, ब्लड क्लॉट का काम करेंगे। और इनको रोकने का काम कौन करता है, आपके ब्लड में जो हिपेरिन होता है वो ब्लड एंटी क्लॉटिंग कोगुलेटिंग फैक्टर होता है। इसके साथ साथ जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो सब के सब ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, और जब चोट लगती है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, तब जाकर वो एक्टिवेट होता है कैल्शियम की प्रेजेंस में। चलिए भी बान सिंह ने पहला आंसर दिया बी, फिम्ब्रे में, ये फिम्ब्रे,
एल नहीं हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, फिम्ब्री हो जाएगा। पान सिंह बी आंसर रिया सोनी, अमन डी आंसर संगीता, डी आंसर डी डी आंसर किरण, डी आंसर प्रीति, सी आंसर प्रीति, प्रीति सी, प्रीति डी। शिवला ने अपना आंसर भी डी दिया है, क्या बात है। वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस मतलब कि वेरिएशंस ऑफ आंसर, माफी चाहता हूं, काफी जो वेरिएशन देखी जा रही है। देखिए विद्यार्थियों, जब अपन बात करते हैं जाइगोट, अब जाइगोट बना कहां है, अरे भाई जाइगोट में जो विदलन देखा जाएगा वो किस क्षेत्र में देखा जाएगा, उसके यूट्रस क्षेत्र में, गर्भाशय में देखा जाएगा। ये क्यों आप इतनी बार हर बार जो गलत चीजें करते जा रहे हो, हर बार गलत करते जा रहे हो। इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, यूट्रस जाएगा विद्यार्थी। फिम्ब्रे के अंदर जो देखा जाता है, फिम्ब्रे जो कलेक्ट करने का काम करेगी एक्सेल को, इनफंडिबुलम इसका आगे वाला पार्ट होता है, स्थमस भाग जहां पर फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, एम्पुला स्थमस जंक्शन पे क्या देखा जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर आगे वाले प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे, फिम्ब्रे कहेंगे। इसके आगे वाले भाग को क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम कहेंगे। जहां पर फर्टिलाइजेशन देखा गया वहां क्या कहेंगे, स्थमस एम्पुला जंक्शन कहेंगे। और जहां पर क्लीवेज देखा जाता है वो कौन सा भाग होता है, यूट्रस भाग होता है, जिसे अपन गर्भाशय भाग कहते हैं। क्लियर है, चले भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन, उपापचयी विविधता किसमें पाई जाती है, क्या प्लांटी में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, एनिमेलिया में पाई जाती है, या मोनेरा में पाई जाती है। फटाफट से आंसर दीजिए डियर, यदि आपसे पूछा जाए, बिल्कुल मैं विद्यार्थियों बार बार आपसे नहीं कहूंगा कि आपका आंसर खोटा हो गया है, क्योंकि आप भी अब समझ जाना हर बार जो है, हर बार आपके क्वेश्चन कितने खोटे हो रहे हैं, एनालिसिस करना और इन सारे सारे क्वेश्चंस को वापस, जहां जहां पॉइंट मैंने बताया है, जहां जहां आप चीजें गलत करते हो उनको एक डायरी में लिखना होता है और उसके बाद उसको देखना होता है कि हमने यहां यहां चीजें गलत की है। क्लियर है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपसे पूछा जाए कि उपापचय विविधता मतलब मेटाबॉलिक जो आपके डाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज्यादा किसमें देखी जाती है, क्या प्लांट में, फंजाई में, एनिमेलिया में, या मोनेरा में। प्रियंका सी आंसर, संगीता डी आंसर, जॉर्डन बी आंसर, किरण डी आंसर, कृति डी आंसर। मोनेरा में देखी जाती है, मोनेरा जो कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा जो कि एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है, क्या इनमें ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाएगी। देखिए सब सब ये बस मैं यही कहूंगा, सब क्या कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, सब तुक्का मार रहे, कोई भी राइट आंसर देने की कोशिश ही नहीं कर रहा है विद्यार्थी। तो अपने आप को देख लो कि आप कहां एग्जिस्ट कर रहे हो। यहां पर सबसे ज्यादा जो वेरिएशंस देखी जाती है वो किसमें देखी जाएगी, फंजाई में देखी जाती है, जो सेफ्रोफाइटिक भी हो सकती है, मृत जीवों पर अपना भोजन यापन कर सकती है, ऑटोट्रॉप्स भी हो सकती है, हेटरोट्रॉप्स भी हो सकती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ भी रह सकती है, वो सब के सब कौन होती है, फंजाई होती है। प्लांटी अधिकांश ऑटोट्रॉप्स है, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स है, और मोनेरा, मोनेरा तो वैसे ही आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है, जो कैसे रहेंगे, सेफ्रोफाइट या फिर आपके हेटरोट्रॉप्स में ही आएंगे। तो मोनेरा फंजाई जो होती है उसमें सबसे ज्यादा वेरिएशंस देखी जाती है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। वेरिएशंस का मतलब यह होती है कि आप कितनी डाइवर्सिटी देख पा रहे हो ना, आपको अलग अलग चीजें या अलग अलग जगह पर सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है। तो फंजाई जो होती है सबसे ज्यादा आपको वेरिएशन शो करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, फिर से वही, इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। हाँ काफी विद्यार्थियों ने जो है खोटा ही दिया है, सेल्फ एनालिसिस में उसका कोई जो है वो इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मेरे क्वेश्चन खोटे होते जा रहे हैं, एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार होते जा रहे हैं। अगली जो भी आपकी मेगा क्लास होगी उसमें मैं आपको थोड़ा समय दूंगा, समय इन द सेंस अगली क्लास के बीच में कुछ दिनों का समय रहेगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए, रटने नहीं है, क्योंकि ये चीज आपने देख ली होगी कि मैं क्वेश्चन को कभी भी एज इट इज यहाँ टाइप नहीं करवाता हूँ, ऑप्शन में चेंज करता ही करता हूँ। मुझे पता है विद्यार्थी जो रटने की प्रवृत्ति रखते हैं
कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर ये दे देंगे। समझने के लिए उनको दिमाग की जरूरत होती है जो वो कम से कम खर्च करना चाहते हैं। हाँ, सभी का कोटा है। तो हर बार जो है आप ऐसे नहीं कि अगली बार जो आप क्या करो 2011 से लेकर 21 तक के जितने भी पेपर है, और इस चीज का भी ध्यान रखना 2011 से बाद के क्वेश्चन को थोड़ा आप करना, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी चीजें और क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से बदलता है वो आपको पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन आप जो रट के आ जाओगे ना कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो भी मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन चेंज भी करता हूं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट इन द लिस्ट एक बार फिर से क्वेश्चन बच गया है। अगला क्वेश्चन फिर से एक नई एनर्जी के साथ विद्यार्थियों, लास्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एस इन आरएनए। आपने आरएनए पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा 17 एस आरएनए, 18 एस आरएनए, 30 एस आरएनए, 50 एस आरएनए, 60 एस आरएनए और 40 एस आरएनए। इसमें जो एस होता है इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है। पेपर डियर आपके पास फोन है, मतलब पेपर आपके पास है। अब आप कहोगे कैसे, आप YouTube पे या फिर Google पे कहीं पे भी आप पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हो। पढ़ने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, जाना नहीं है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना है और राइट करके जाना है। बच्चे एस का मीनिंग क्या होता है फटाफट से आंसर दीजिए। जाते जाते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं कि यदि आपसे पूछा जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ये मनोज पूछ रहे कि ये 50 और 30 80 कैसे नहीं होकर 70 ही कैसे हुए। यही तो आपको पता होना चाहिए, दोनों जो यूनिट होती है इसमें से कुछ जो पार्ट होता है वो दोनों के लिए क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। उस कॉमन पार्ट को कंसीडर नहीं करते क्योंकि इन ऑप्शन में से उसका कोई एक राइट आंसर है। तो ये होता है 30s, ये 15s, होना कितना है 80s, लेकिन क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कॉमन पार्ट जो है वो यहाँ मेजरमेंट में नहीं आएगा, इसलिए ये 80 नहीं होकर 70 हो जाता है, 60 और 40 100 नहीं होकर 80 हो जाता है। बी आंसर। एस का मतलब होता है स्वीडबर्ग यूनिट। स्वीडबर्ग जो साइंटिस्ट था जिन्होंने ये दी थी, रोहित ने डी आंसर दिया है, रोहित यादव डी आंसर, प्रीति यादव बी आंसर, अमन सोनी बड़े कॉन्फिडेंट में कह रहे कि बी होगा इसका राइट आंसर, खोटा नहीं होने देंगे, देखते हैं खोटा हो पाता है नहीं। रोहित डी आंसर, किरण डी आंसर। विद्यार्थियों जाते जाते आपको मैं फिर से एक सबक सिखा के जा रहा हूं कि जो चीजें हमें लगती है वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि चीजें हमें सही लगती है एक्चुअल में वो चीजें गलत है ना, क्योंकि हमें वो लग रही है विद्यार्थी, और हमें जो चीजें लगती है ना वो सही नहीं होती। हम कॉन्फिडेंट से हमारे नॉलेज के बेसिस पर, हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर अगर आपको चीजें लग रही है तो ही सही होगी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ तुक्के में सही लग रही है, इसलिए सभी का आंसर जिन्होंने अपना आंसर ए बी तथा सी दिया है सबका आंसर क्या है, खोटा है। इस एस की मीनिंग पूछी गई थी आपसे, तो एस सेडिमेंटेशन कोफिशियंट होता है, अवसाधन गुणांक होता है, चर्चा करेंगे थ्योरी पोर्शन में। स्वीडबर्ग यूनिट होता है साइंटिस्ट। तीसरा ये मेजरमेंट करता है मास तथा डेंसिटी का, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर चला जाएगा। अपूर्वा डी आंसर, किरण डी आंसर, और इससे पहले विद्यार्थी का भी डी आंसर जो कि ऊपर चला गया है उसका आंसर, रोहित यादव डी आंसर। अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका आंसर खोटा किया है। इसका जो सही आंसर जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, एस की फुल फॉर्म जो होती है या एस का जो मेजरमेंट देखा जाता है या मीनिंग जो होती है वो सेडिमेंटेशन कोफिशियंट भी होती है। सेडिमेंटेशन कोफिशियंट होने के साथ साथ मास और डेंसिटी का मेजरमेंट भी करता है, और एस का मतलब स्वीडबर्ग यूनिट भी है, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर डी जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई, ये आज का सेशन था जिसमें आपने देख लिया कि पेपर अगर पूरा आ भी जाए तो हम कितना गलत करेंगे और कितना सही करेंगे। मेरे हिसाब से
ये एक कड़वी सच्चाई होगी आपके लिए कि आप अभी भी पानी के अंदर ही हो मेरे बच्चे। आपने जो अच्छे से चैप्टर पढ़े हैं यहां YouTube प्लेटफॉर्म पे, उनको छोड़कर आपने जो सेल्फ पढ़ने थे उनमें से क्वेश्चन एक भी राइट नहीं हो रहा, ये आपको पता चल गया होगा। तो ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं कमी है, सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समय अब नहीं रहा है कि आपको जो एक एक चैप्टर के क्वेश्चन मैं करवाता रहूं, हमें टॉपिक एक लेकर नहीं पूरे संपूर्ण जो आपका सिलेबस से ही करने पड़ेंगे। और अगली बार जो है अगला सेशन जो भी हो आपको शेड्यूल में बता दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो है कम से कम सिली मिस्टेक्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। बड़ी मिस्टेक, सिली मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिस्टेक्स तो मिस्टेक्स होगी है, आपको -5 देकर ही जाएगी वो, तो सिली जैसा कुछ नहीं लगाना कि सिली मिस्टेक हो गई साहब, सिली मिस्टेक नहीं होती है, मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, और अधिकांश विद्यार्थियों ने गलत किया है। कुछ विद्यार्थियों ने अपना कॉन्फिडेंट बिल्डअप किया है कि उन्होंने जो पढ़ा है उसमें से, अभी क्वेश्चंस का नंबर हमें नहीं पता कितना है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों के क्वेश्चन जो राइट हो रहे हैं। यदि इस सेशन में अब तक क्वेश्चन जितने पूछे गए थे उसमें से एक आध या दो क्वेश्चन गलत हो रहे थे, आप सही हो, 5 से 7 क्वेश्चन जा रहे हैं तो गलत जा रहे हैं, तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। और अगर 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या 7-8 क्वेश्चन गलत हो, तो अभी आप पानी के अंदर ही हो, तो चीज का ध्यान रखना। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि जब भी नेक्स्ट सेशन होगा आप उसमें अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय एनसी।